दे रहा हूं, आज का ही न्यूज है, कल परसों का नहीं, अभी का न्यूज है कि ओरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा लगाई कि भाई 28,000 करोड़ जो आप देना है वो सील्ड कवर बंद कीजिए और सैनिक के परिवार को दीजिए। 20 लाख परिवारों को 28,000 करोड़ रुपए 2019 से नहीं दे रही, ये हकीकत है। दोस्तों आप जंतर मंतर का नजारा देख सकते हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद है और हमने जैसा कि आपको बताया था कि जंतर मंतर का लाइव नज़ारा भी हम आपको कवरेज करेंगे चारों तरफ से, किस प्रकार हमारे भूतपूर्व सैनिक आंदोलनकारी वहां पर बैठे हैं। मोदी सरकार को अब सुनना पड़ेगा वरना 30 अप्रैल अब नज़दीक है, मोदी सरकार अंजाम भुगतने को तैयार रहे, ये आप पूरा मामला देख सकते हैं। ये जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक और चारों तरफ आप देख सकते हैं मीडिया वाले, जो लोकल मीडिया वाले वो मौजूद हैं और आगे की क्या अपडेट आती रहेंगी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अभी अभी हमने भी यहाँ पर पहुंचकर देखा क्या माहौल है, तो कुछ ही देर बाद फिर मिलते हैं सभी पेंशनधारक को। जय हिंद जय भारत। नेशनल मीडिया कवरेज जो गाड़ियाँ बाहर जो खड़े हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान के अंदर पूरा लाइव देख रहा है जो जंतर मंतर का आज का जो कवरेज, जो नेशनल खिलाड़ी इस बैरिकेड के अंदर है। और देखो जो कैमरा लाइव कैमरा लगे है इस लाइव कैमरा के अंदर, इस जंतर मंतर के अंदर लाइव कैमरा का साथ लगे है। इस लाइव कैमरा से आप थोड़ा सा देखिए, केवल तो 3 मीटर दूरी पर, 3 मीटर दूरी भी नहीं है, जो एक्स सर्विसमैन का जो बैनर लगे है इसके अंदर एक्स सर्विसमैन बैठा हुआ है, लेकिन कितना दूरी इस कैमरा से कितना दूरी है आप देख लीजिए। इस कैमरा से केवल 2-3 मीटर दूरी पर जो जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा उनको। ये जंतर मंतर का सीन है, ठीक है, हिंदुस्तान का पूर्व सैनिक, पूरा जो अपना देश भर के जो पूर्व सैनिक जंतर मंतर की तरफ देखो, आप लोगों को किस जगह पर बिठा कर रखा है और आप लोगों का बगल में 2 मीटर दूरी पर जो लाइव कैमरा लगा के खिलाड़ियों को जो नेशनल प्लेयर का कवरेज कैसे किया जा रहा है। देखिए ये जंतर मंतर का टोटल सीन है, जो गाड़ियां खड़े हैं, लाइव कैमरा है, आप देख लीजिए, जो एक जीता जाता सबूत देख लीजिए आप, और आप देख लीजिए देश का सेना को सड़क में बिठा के हमारा गवर्नमेंट और हमारा लीडरशिप में काम किया हुआ बड़े बड़े अधिकारी क्या मैसेज दे रहा है हिंदुस्तान का जनता को। जय हिंद, वंदे मातरम।